मेरा कर्म तू ही जान, क्या बुरा है क्या भरा। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख बूंद के चला, तेरे नाम की। Hey guys, so welcome back to my channel, a new video. सो जैसे कि टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा, सो ये वीडियो होने वाला है कि आप लोग कैसे अपनी केदारनाथ यात्रा मुंबई से केदारनाथ कर सकते हो, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो देखना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी और काफ़ी हेल्पफुल आप लोगों के लिए, ठीक है। और अगर आपके कोई डाउट्स है हम नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो मैं सारे क्लियर कर दूँगा। सो जी, अभी मैं फ़िलहाल खुद केदारनाथ यात्रा करके आ रहा हूँ और नीचे आ रहा हूँ। तो ये मेरा सेकेंड टाइम है जो मैं केदारनाथ यात्रा कर रहा हूँ। एक बार मैंने किया था 2022 में और अब है 2024, तो इसलिए मुझे लगा कि अब काफ़ी एक्सपीरियंस आ गया है, तो आप लोगों के साथ वो एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो केदारनाथ यात्रा करने से पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन काफ़ी जगह चेक हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप केदारनाथ कर रहे हो, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, चार धाम का एक साथ रजिस्ट्रेशन होता है, उसकी लिंक मैं यहाँ पे नीचे दे दूँगा स्क्रीन पे, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी, तो आप लोग वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज़ कि आप कैसे ट्रैवल करोगे। अगर आप मुंबई से हो तो आपके पास एक ट्रेन का रास्ता है और एक फ़्लाइट है जिससे आप लोग आ सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग फ्लाइट से रहना चाहते हो तो मुंबई से आपको फ़्लाइट लेनी पड़ेगी दिल्ली तक या फिर देहरादून तक, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि ट्रेन मिल जाती है आपको, हरिद्वार एक्सप्रेस एक ट्रेन है जो मुंबई से चलती है, वीकली दो बार होती है, तो आप लोग वो ट्रेन ले सकते हो। या फिर डेली राजधानी एक्सप्रेस है जो मुंबई से चलती है दिल्ली के लिए, तो वो आपको दिल्ली छोड़ देगी और वहाँ से आपको कैब करना पड़ेगा, तो कैब लेके आप पहुँचोगे हरिद्वार दिल्ली से, ठीक है। तो आप लोग पहुँच जाते हो दिल्ली से हरिद्वार, जो कि आप कैब ले सकते हो। हरिद्वार पहुँचने के बाद आप लोग वहाँ से शायद टैक्सी ले सकते हो सोन प्रयाग के लिए, या फिर आप कैब कर सकते हो, या सिटी बस चलती है आप उससे जा सकते हो, ठीक है। अलग अलग रेट से, अलग अलग टाइमिंग से। अगर आप पर्सनल कैब करते हो तो उसका करेंटली स्विफ्ट डिज़ायर का 3,500 से 4,000 रेंट है। हम लोगों ने करी अभी एटिगा, तो उसका प्राइस अराउंड पड़ा 5,500 पर डे। तो जैसे 6 दिन का 5 दिन का ट्रिप है, तो उसके हिसाब से डेली 5,500, ठीक है। तो ऐसा कुछ सीन है। तो आप लोग पहुँच जाते हो सोन प्रयाग, सोन प्रयाग में आप आओगे, वहाँ पे आप स्टे करोगे, स्टे लोगे, सोन प्रयाग में आप स्टे कर सकते हो। और कोशिश करना इस सोन प्रयाग में मत रुको, सोन प्रयाग से पहले सीतापुर आता है, वहाँ पे रुक जाना, वहाँ पे ट्रैफिक भी कम रहेगा और आपको रूम भी काफ़ी सस्ते में मिलेंगे, ठीक है। वहाँ से 1-2 किलोमीटर ही सोन प्रयाग है जिसकी पार्किंग है, जहाँ तक आपको लास्ट छोड़ा जाएगा। तो उसके बाद आप लोग गौरीकुंड से कैब मिलेगी ऊपर के लिए, सोन प्रयाग से कैब मिलेगी गौरीकुंड तक, जो कि 50 रुपये शेयर टैक्सी कैब्स, तो उसमें ही आपको जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ पे। और दूसरे दिन आपको बेस्ट टाइमिंग मैं बताऊँ तो आप लोग रात को चढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो 12-1 बजे, क्योंकि 12-1 बजे इतना क्राउड नहीं रहेगा और आप लोग काफ़ी आगे निकल जाओगे आप, वरना बहुत लंबी लाइन लग रही है आजकल, जो स्टार्टिंग में ही पुलिस वाले लग जाते हैं, तो आपको वो सब स्किप हो जाएगा और आपके 1-2 घंटे बच जाएंगे, ठीक है। और धूप भी नहीं रहेगी, तो आप लोग काफ़ी अच्छे से ट्रैक कर पाओगे। और जब तक सुबह 5-6 बजे सनराइज़ होगा, तो उससे पहले आप लोग काफ़ी अच्छी जगह लंबा पहुंच जाएंगे। बात कर लिया जाए आप लोगों को क्या क्या कैरी करना है अपने साथ अगर आप ये ट्रैक कर रहे हो, तो पहली चीज़ आप लोगों को अपना थर्मल विंटर क्लोथ्स रखने, क्योंकि यहाँ मौसम कभी भी ठंडा हो जाता है। इसके बाद रेनकोट ज़रूर रखना है, क्योंकि रेनकोट की ज़रूरत भी पड़ती है, यहाँ बारिश कभी भी होती है या स्नोफॉल हो जाती है, ठीक है। ऊपर सब कुछ बहुत महंगा मिलेगा, तो पहले से वो तैयारी करके जाइए, अपने विंटर ग्लव्स हो गए, विंटर कैप, ये सब ज़रूर लेके जाना है आप लोगों को। इसके बाद आपको जो भी आपके मेडिसिन है वो ले लेना है, ठीक है। जितने भी आपको इंपॉर्टेंट मेडिसिन है उसको छोड़ के आपका पेन का जो स्प्रे होता है, मूव स्प्रे या जो भी, वो चाहिए। उसके बाद आपके इंपॉर्टेंट मेडिसिन, ठीक है। तो बुखार खांसी के आप रख सकते हो, डोलो रख सकते हो, है ना। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वो आप लोगों को लेके चलना है। कोशिश करिएगा अगर आप लोग पैकिंग कर रहे हो केदारनाथ की, तो जितना इंपॉर्टेंट चीज़ें वो ही रखना है आपने ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और ऊपर जाते हुए भी बहुत कम कपड़े ले जाने हैं आपने, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपके विंटर क्लोथ्स और रेनकोट, ठीक है। एक्स्ट्रा सॉक्स रख लेना, क्योंकि काफ़ी टेम्परेचर रात को गिर जाता है। ये तो हो गई आपको क्या क्या कपड़े लेने एंड क्या क्या मेडिसिन लेनी है। केदारनाथ दर्शन करने के भी काफ़ी तरीके हैं, आप लोग पैदल यात्रा कर सकते हो, आप लोग पैदल यात्रा कर सकते हो, हेलीकॉप्टर ले सकते हो, पिट्टू कर सकते हो, घोड़ा कर सकते हो,
ठीक है। तो काफ़ी ऑप्शंस है हेलीकॉप्टर आप लोगों को उनकी गवर्नमेंट वेबसाइट से नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी या फिर स्क्रीन पे आ रही होगी, तो आप लोग वहाँ से बुक कर सकते हो। उसके बाद अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हो तो ये 22 से 24 किलोमीटर की यात्रा है, जो कि 16 किलोमीटर की है नहीं, ठीक है। इसके बाद आप लोग अगर घोड़ा ले रहे हो तो ये ध्यान रखिए आप घोड़ा नीचे से लीजिए, या अगर ऊपर से आ रहे हो तो ऊपर से लीजिए। बीच में लोगे तो आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा और नीचे आपको गवर्नमेंट रेट से मिलेगा, तो वो एक अच्छी बात रहेगी आप लोगों के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप लोग केदारनाथ जा रहे हो तो अपने साथ हार्ड कैश ज़रूर रख लेना। कोई भी ऑनलाइन पेमेंट ऊपर होगी नहीं, काफ़ी नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है और आप लोगों को कई ATM नहीं मिलेगा। तो अगर आप सिंगल हो तो अपने साथ 5,000, और अगर आप कपल या फैमिली के साथ जा रहे हो तो भी 8-10,000 अपने साथ कैरी कर लेना, क्योंकि ऊपर सब कुछ चीज़ें महंगी हो जाती है और कब पता है आपको इमरजेंसी में कोई भी पैसे की ज़रूरत पड़े। तो इससे अच्छा है कि आप अपने साथ कैरी कर लेना। केदारनाथ ट्रैक करते समय आप लोगों को काफ़ी शॉर्टकट्स मिलेंगे, मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप वो अवॉइड करना शॉर्टकट्स, क्योंकि उससे भी उतना ही टाइम लगने वाला है और जितना आप पैदल चल के जाओगे उससे भी उतना ही टाइम लगेगा। उल्टा आप शॉर्टकट्स लेते हो तो आपका स्टेमिना काफ़ी कम आ जाता है और काफ़ी आप ज़्यादा थक जाते हो, तो आप आगे नहीं चल पाओगे। तो बेटर है कि आप शॉर्टकट्स ना लो, आने के टाइम भी और जाने के टाइम भी, दोनों के टाइम, क्योंकि उतना ही टाइम लगता है, क्योंकि शॉर्टकट्स में आपको और आराम आराम से चलना पड़ता है, क्योंकि कहीं भी स्लीपर ही होता है। केदारनाथ में ऊपर आप लोगों को टेंट्स मिल जाएंगे गवर्नमेंट के, तो वो आप बुक कर सकते हो। उसकी लिंक आपको ऊपर स्क्रीन पर आ रही होगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो टेंट्स का प्राइस अराउंड 500 से 1,000 रुपये के बीच में होता है, तो आप वो देख सकते हो, ठीक है। और अगर आप कोई बुकिंग कर रहे हो तो रूम का बुकिंग ना करिए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लोगों का स्कैम हो रहा था, जो लोगों ने बुकिंग करी थी ऐसे नाम के कोई होटल जी नहीं थे। तो इससे अच्छा आप जाइए वहाँ पे, आपको रूम्स मिल जाएंगे, काफ़ी रूम्स बन गए अभी, और अभी भी बहुत सा काम चालू था, तो आने वाले टाइमों में काफ़ी रूम्स फैसिलिटी हो जाएगी और टेंट्स तो हर जगह मिल जाएंगे। केदारनाथ में दर्शन की बात कर लिया जाए तो वहाँ पर काफ़ी बड़ी लंबी लाइन लगती है, तो आप लोगों को लाइन में खड़े रहना पड़ेगा। वहाँ पर VIP पास भी मिलता है, पर वो भी लिमिटेड है, तो कुछ टाइमों के लिए ही ओपन होता है और वो सारे सेल आउट हो जाते हैं, तो उसकी भी बहुत लंबी लाइन लगती है। तो अगर आप लोग दर्शन करना चाहते हैं, जैसे कि हम लोगों ने किए थे, तो हम लोगों ने पंडित को पकड़ा था 4 बजे जाके। पंडित आपको कुछ पैसा लेगा आपसे, 1500-2000 रुपये एक जन का, और वो आपके दर्शन सीधा अंदर तक करा देगा गर्भगृह में, ठीक है। शिवलिंग पे आपको जल चढ़ाने देगा, तो ऐसा कुछ आप बार्गेनिंग कर लेना और आप लोगों के दर्शन वैसे हो जाएंगे। वहाँ पर दर्शन कर रहे हैं काफ़ी लोग, आपको वहाँ पर मिलेंगे जो बोलेंगे हम आपको दर्शन करा देते हैं। कोई भी दर्शन कराए, जब तक आपके दर्शन नहीं होते उसको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। दर्शन होने के बाद, गर्भगृह से बाहर निकलने के बाद ही किसी को पैसे देना, एडवांस में किसी को पैसे मत देना। बात कर लिया जाए केदारनाथ में आप कहाँ कहाँ क्या क्या दर्शन कर सकते हो, तो केदारनाथ में आप ऑब्वियसली केदारनाथ मंदिर का दर्शन करोगे, शिवलिंग का, ठीक है। उसके पीछे ही आपको भीमशिला है, आप उसके दर्शन करोगे, और उसी के पीछे शंकराचार्य जी का है स्टैचू है, आप उधर जाके दर्शन कर सकते हो। और केदारनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर ऊपर भैरवनाथ जी का मंदिर है, तो आप वहाँ पर भी दर्शन कर लेना, वो भी काफ़ी ज़रूरी है, थोड़ा और ऊपर जाना पड़ता है, लेकिन आप लोग दर्शन कर लेना। सो जी, बात कर लिया जाए अभी टोटल कॉस्ट का, ट्रिप का सारा, नासिक से केदारनाथ, जिसका मुझे सबसे ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी वीडियोस में, जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट्स थे। तो हम लोग 6 लोग गए थे, जितना बड़ा ग्रुप रहेगा आपके खर्चे उतने डिवाइड हो जाएंगे, लाइक फूड्स में, ट्रैवल में, ठीक है। बाकी एक्सपेंसेस आपके पर्सनल वो अलग होते हैं, तो मैं अभी उसी को ही डिवाइड करके अपना एक पर्सन का कितना खर्चा हुआ है, अगर 4 लोग साथ में जा रहे हैं तो उस हिसाब से आपको बता दूंगा, बाकी आप लोग आगे पीछे उतना ही खर्चा होगा, आप लोग समझ लेना, ठीक है। तो अगर बात कर लिया जाए पहले ट्रैवल का, नासिक टू हरिद्वार, जो कि हम लोगों ने ट्रेन करी थी, ठीक है, तो उसका कॉस्ट आने जाने का 5,000 हुआ था हमारा। उसके बाद हम लोगों ने दिल्ली से हरिद्वार कैब करी थी, जो कि 4,000 की कैब थी, और अगर हम लोग 4 लोग हैं तो अराउंड आप पकड़ लो कि अराउंड 600-700 रुपये पड़े थे हर एक को, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने हरिद्वार में स्टे किया था, एक दिन का स्टे का हमारा कुछ रूम का पड़ा था 4,000, तो फिर हम लोगों का 2,000 रुपये सब में डिवाइड हो गया, एक रूम में 2 ही लोग अलाउड थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने जो भी खाना खाया हरिद्वार और सोनप्रयाग तक, तो वो हम लोगों ने 1,000 रुपये पकड़ा है, तो उसका एक ऐड कर लो आप लोग। एंड उसके बाद हम लोगों ने हरिद्वार से सोनप्रयाग तक, लाइक केदारनाथ तक, हम लोगों ने गाड़ी खड़ी थी, जो कि 5 दिन के लिए होती है, ठीक है। तो एक दिन का गाड़ी का 4 से 5,000 रुपये होता है, अगर गाड़ी खड़ी हुई है तब भी आप लोगों को उसका पैसा देना पड़ेगा, तो उसका हर एक पर्सन का 5,000-5,000 रुपये आया था, तो वो एक ऐड हो जाता है उसमें। हम लोगों ने सोनप्रयाग में भी, जो सीतापुर जहाँ पर हम लोग रुके थे, वहाँ पर हम लोगों ने स्टे लिया था, तो वो 3,000 का रूम पड़ा था एक रूम, उसमें हम लोग 2 लोग थे, तो वो 1,500-1,500 वो ऐड हो जाता है हम लोगों के एक्सपेंस में, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने केदारनाथ ट्रैक चालू किया था, उसमें आप 400 से 500 रुपये अपना रास्ते में आप लोगों ने जो भी खाया, पानी वानी, क्योंकि ऊपर जितना आप जाते रहोगे हर एक चीज़ महंगी होती रहती है। ऊपर जाके एक पानी की बॉटल 80 से 100 रुपये तक मिल जाती है, बीच में ही पानी की बॉटल 50 रुपये की थी, तो ऐसा कुछ
एक्सपेंस बढ़ते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पहुँचे थे ऊपर केदारनाथ में। केदारनाथ में रूम्स हम लोगों ने जो लिया वो काफ़ी महंगा था। हमारा रूम पड़ा था कुछ 9000 का, तो वो भी डिवाइड हो गया था हम लोगों में। तो रूम का मैं 2000 रुपये ऐड कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो आप 2000 रूम का पकड़िए और 500 रुपये खाने का पकड़िए ऊपर का, क्योंकि ऊपर फूड भी काफ़ी महंगा था। इसके बाद हम लोगों ने मंदिर का दर्शन पंडित जी से करे थे, तो वो 2000 रुपये ऐड हो जाता है अलग से। ठीक है, और उसके बाद 1000 रुपये हम लोगों का जो भी गिफ्ट्स घर वालों के लिए लिया था वो अपना पर्सनल खर्चा था, तो वो भी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1000 रुपये, तो वो एक ऐड हो जाता है। तो इन जनरल पूरा अगर आप खर्चा देखोगे तो 22 से 25 हज़ार एक जन का खर्चा आता है केदारनाथ का। ठीक है, तो ऐसा कुछ खर्चा है, वो कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। अभी हम लोगों ने ट्रेन से ट्रैवल किया, अगर आप लोग फ्लाइट से करोगे तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा। हम लोगों ने कार करी थी, अगर आप रेंटल बाइक लोगे तो भी उसका आसपास का ही खर्चा होगा। बाइक 1500-2000 रुपये पर डे होता है, तो अगर आप उतना करोगे तो वो भी 6000 रुपये ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने कार इसलिए किया क्योंकि बारिश का टाइम था, तो कार ज़्यादा सेफ थी और साथ में लड़कियाँ भी थी, तो इसके वजह से। तो आप वैसे अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, हर एक का अपना बजट लेके। ठीक है, लेकिन आपको एक आइडिया दे दिया कि 20 से 25 हज़ार के बीच में आप लोगों का एक जन का खर्चा आता है। भाई यही था इस वीडियो में, आई होप मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से कवर किया है, सारी डिटेल्स। एंड अगर इसके बाद भी आप लोगों को कुछ क्वेरीज है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उसका आंसर कर दूंगा। एंड काफ़ी मेहनत लगी ये वीडियो में, आप लोगों ने देख लिया होगा मैंने एक एक टॉपिक सारा अच्छे से कवर किया है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस था। तो आप ये वीडियो किसको भी भेज सकते हो, अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, जो भी केदारनाथ का ट्रिप कर रहे हैं तो उनको काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, अगर बॉम्बे या नासिक से कर रहे हैं और कहीं और से कर रहे हैं तो भी आप वीडियो भेज सकते हो। बाकी वो लोग हरिद्वार दिल्ली तक तो जाएंगे, उसके आगे का वो प्लान इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना हो सके मैंने कवर कर दिया। एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो ज़रूर उस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में, नीचे कॉमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो। एंड अगर नए हो तो ज़रूर इस वीडियो को सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, हम लोग काफ़ी पास है 10,000 सब्सक्राइबर्स के, तो हम लोगों को वो अभी साल पूरे करने हैं। ठीक है, बाकी मिलता हूँ आपको और किसी वीडियो में। मैं ऐसे ट्रैवल वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे केदारनाथ सीरीज नहीं देखी तो यहाँ ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, तो आप लोग देख लेना। और बाकी मैं मिलता हूँ आपको और किसी वीडियो में। टिल देन दिस इज़ बाइकर रमन साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।